जिस टाइम पर मुझे डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे या कुछ भी काम करना होता था, आई एंड अप स्क्रोलिंग मीम्स। समवन इज थिंकिंग फॉर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जस्ट कीप योर गोल विच इज क्लोज टू योर हर्ट। अगर आपका जो गोल है वो आपके हर्ट के क्लोज होगा तो आपको वो अटेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। Hi everyone, myself Naman Gupta. In this video, I would be discussing about how to stay motivated for studying. Before starting, I would like to mention that I myself many times find it difficult to study due to lack of motivation. जिस टाइम पर मुझे DSA के क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे या कुछ भी काम करना होता था, I end up scrolling memes. तो इस वीडियो में व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज वी फेस, हम लोगों की क्यों मोटिवेशन डाउन हो जाती है एंड कैसे हम फिर से अच्छे से स्टडी करें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट रीजन ड्यू टू विच यू माइट बी फीलिंग डीमोटिवेटेड इज व्हेन देयर इज लॉट टू डू। That is, suppose DSA का एग्जाम्पल लेते हैं, that you start with a DSA sheet of 400 questions. Now, by seeing the number of questions के इतने सारे करने हैं, you might feel low कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा. Instead, what you should actually do is कि उसको small parts में break कर लो. For example, आपको एक दिन में सिर्फ maximum 7-8 अगर questions करने हैं, अगर आपका सिर्फ उतना ही target है, तो एक बारी में सिर्फ उतना ही सोचो. आप आगे कितना करोगे, किस दिन नहीं करोगे करोगे, ये सब आगे आपको सोचने की अभी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, सिर्फ एक दिन का भी अगर आप सोचो कि सपोज में आपको 8 hours स्टडी करना है, देन वाई टू थिंक ऑफ होल डे, आप सिर्फ ये सोचो कि अभी आपको 1 hour स्टडी करना है एंड उसके बाद आपको ब्रेक लेना है, तो सिर्फ उस 1 hour के बारे में ही सोचो। दिस विल मेक यू फील मोटिवेटेड एज आपके माइंड को लगेगा कि आपको सिर्फ थोड़ा सा काम करना है एंड देन योर एनर्जी वुड बी वेरी मच हाई। Now, second tip by which you can feel motivated is by thinking what the final outcome matters to you. For example, in our case, getting good placement in any good company or startup is the final outcome. Just think about that particular thing. Think about what you would be feeling after attaining your goal. So, my suggestion to others also, if someone is preparing for JEE, someone is thinking for starting a startup or किसी भी exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं, just keep your goal which is close to your heart. अगर आपका जो goal है वो आपके heart के close होगा तो आपको वो attain करने से कोई भी नहीं रोक सकता है. Then just by thinking about it, you would be definitely feeling motivated as well as energetic. Moving on to third tip, it is to reward yourself. After doing small task or by attaining smaller goals, always reward yourself. For example, if you have study goal of studying 8 hours in a day, then as discussed above, you would be breaking it into smaller part. Let's say in 1 hour 8 parts or 2 hour 4 parts. So, jab ek part complete ho jaye, to just give yourself something in reward. Jaise kuch khana pasand karte ho ya kuch karna pasand hai, to wo karo ya wo khao ya kuch bhi aisa jisse aapko acha lage. जिससे आपके माइंड को लगे कि यार ये जल्दी से अच्छे अच्छे से स्टडी कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद ये अच्छी चीज़ मिलेगी या मैं करूँगा। सो इट इज़ जस्ट अ वे टू कंट्रोल योर माइंड एंड इट विल ऑलवेज मेक यू फील मोटिवेटेड। फोर्थ टिप इज ऑलवेज इस्टैब्लिश रीजनेबल गोल्स फॉर योर स्टडी और वर्क। इफ़ यू आर थिंकिंग कि एक दिन में 40 DSA के क्वेश्चंस कर लूँगा या 18 आवर्स पढ़ लूँगा या कोई भी ऐसा अनअटेनेबल गोल अगर आप सोचोगे, तो ऑफ कोर्स यू वुड बी फीलिंग डीमोटिवेटेड, आप काफ़ी लो फील करोगे। इससे अच्छा अगर गोल्स आपके रीजनेबल हो तो आपके माइंड को पता होता है दैट यू वुड बी डेफिनेटली एबल टू अटेन इट एंड आपकी अंदर से ही खुद एनर्जी आएगी एंड यू वुड बी नॉट फीलिंग डीमोटिवेटेड। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर गोल्स अटेनेबल। टिप 5 इज टू कीप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर बींग मोटिवेटेड ऑल द टाइम। कभी कभी ये होता है कि वी फील वर्थलेस, imagining that we are not capable of doing anything. This is in actual is not true, but still we feel very low. To overcome this and for keeping positive attitude, you need to use motivational poster या अपने पास कोई positive words वाली चीज़ें रखिए जिनको आप read कर करके
या फिर आप उनको दो तीन बार लिख के ट्राई कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। नहीं तो यू कैन ऑल्सो यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस, 10 बार जोर जोर से चिल्लाओ दैट आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, उससे भी काफ़ी अच्छा फील होता है। दीज टाइप्स ऑफ थिंग ब्रिंग पॉजिटिवनेस इन योर एटीट्यूड, रिजल्टिंग इन मोटिवेटिंग यू। माई 6th टिप वुड बी ऑलवेज क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर अ डे बिफोर। अगर आपको पता होता है कि कब आपको क्या करना है, देन यू डोंट फील इन सच अ वे, वरना आधे टाइम सिर्फ क्या करना है क्या नहीं यही सोचने में निकल जाएगा, और अगर इस तरह टाइम निकलता है तो डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं। बट अगर टाइम टेबल प्रिपेयर्ड है और हम उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ कर पाते हैं अच्छे से कि हमें इस टाइम तक ये कंप्लीट करना है एंड हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं और अच्छे से हमारा सब काम हो रहा है, देन वी फील मोटिवेटेड, तो हम लोग बहुत अच्छे से सब काम कर पाते हैं आगे भी। नाउ आई लिस्टेड टॉप 6 टिप्स फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड। देयर आर मेनी अदर्स लाइक स्टडी विद फ्रेंड्स, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, हैव अ डेजिग्नेटेड जोन फॉर स्टडिंग, अवॉइड मल्टीटास्किंग, स्टे हेल्दी एंड मेनी मोर। इट इज़ टोटली अप टू अस कि हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। आई पर्सनली यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल अबव स्टेटेड थिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी सिर्फ 1 वीक ट्राई कीजिए सब चीज़ों को एंड देन बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। आई कैन एश्योर यू दैट यू वुड बी ऑल्सो फीलिंग मोटिवेटेड एज वेल एज मोर एनर्जेटिक। एट लास्ट थैंक यू फॉर हियरिंग एंड वॉच मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज फ्रॉम अस। ओके देन, keep learning and stay tuned to Coding Ninjas channel. Thank you.